मोदी साहब इनको एंटरटेन करते हैं और इनको झेलते हैं इसलिए क्योंकि ताकि मोदी साहब को इलेक्शन जीतना है। क्या वो आप बोल रहे हैं? देखिए एक बात है ना कि यार इलेक्शन तो जीतना है। अच्छा अगर मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर ही नहीं बनेंगे तो ये मॉरल हाई ग्राउंड जो है। करेक्ट। हाँ लेकिन करेक्ट एक बात मैं उनको मानता हूं, जो जैसे गुजरात में जो चीफ मिनिस्टर थे वो मुसलमानों के, मैं काम जो लेके गया हूं भाई, हम आज उनके साथ क्यों है? उन्होंने ऐसे काम करे हैं मुसलमानों के जो कोई और चीफ मिनिस्टर हिंदुस्तान। जय सिया राम, हरिओम हरिओम। मोदी जी जो हैं वो अमेरिका रिटर्न हैं, समझे कि नहीं? अमेरिका रिटर्न कैसे हैं? तो G20 का जो समिट चल रहा था इस दौरान उनकी एक तस्वीर वायरल होने लगी ट्वीट पे, जिसे मधुकिशोर जी ने ट्वीट किया था, कहा था कि जरा ये फोटो देख लो, क्या ये मोदी जी हैं? हाँ, फिर ACYPL का जिक्र आया था। ACYPL एक ऐसी बात है कि मेरे लिए भी नई बात थी, और फिर मैं चला गया ट्विटर पे, मैंने कहा कि अभी यूट्यूब पे गया और गूगल पे गया और जो कुछ छान के लाया हूँ आपको आपके सामने रखता हूँ, तो मैं आगे जो मुद्दे रखूँ, फैक्ट्स रखूँ, आपके सामने रखूँ। इससे पहले ये कह देना चाहता हूँ कि पहली बात की चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और जो काम की बातें हम करते रहेंगे, जो हिंदुओं की बातें, सनातनियों की बातें, राष्ट्रवादियों की बात है, हम आपस में शेयर करते रहते हैं और आपका रिएक्शन हमें मिलता रहता है, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरी बात कि आज की तारीख में जो कुछ भी मैं कहने जा रहा हूँ उसका आधार जो सोर्स है ट्विटर के, वो ट्वीट्स हैं जिसे लोगों ने किए हैं, ब्लू टिक वाले तक लोगों ने किए हैं, ठीक है? तो अगर वो ब्लू टिक वालों ने अगर गलत कुछ किया होगा तो भैया वो जिम्मेदार है, मैं जिम्मेदार ना हूँ, मैं उन्हीं को आधार बना के बात कर रहा हूँ, ठीक। अब आते हैं कि ACYPL क्या है। ACYPL का फुल फॉर्म है अमेरिकन काउंसिल ऑफ यंग पॉलिटिकल लीडर्स, राइट, है ना? इनका लिखा हुआ है वी गिव इमर्जिंग लीडर्स ए ग्लोबल पर्सपेक्टिव। ये 129 देशों और क्षेत्रों के लोग जो हैं यहाँ के ट्रेनिंग ले चुके हैं। 1966 में ये संस्था बनी थी और 8600 नेताओं को ACYPL ने अब तक ट्रेंड किया है, और पिछले 57 सालों से ये यंग पॉलिटिकल लीडर्स को तैयार कर रहा है। वन वर्ल्ड वन फैमिली वन फ्यूचर का मतलब भारतीय जीवन शैली, सनातन संस्कृति की सभ्यता का मिटाना है, जो कि इसका लक्ष्य है, आप मान के चलिए। और मोदी जी यहां पे गए थे 1994 में, ACYPL में गए थे, ट्रेनिंग ली थी उन्होंने वहाँ। एक्चुअली ACYPL में कोई अप्लाई नहीं करता है, वहाँ कोई एडमिशन नहीं होता, वो दुनिया के लीडर्स को उसकी औकात और क्षमता के अनुसार सेलेक्ट करते हैं, उस तक पहुंचते हैं, उसको अपने पास बुलाते हैं और फिर उसको ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग देने के लिए उनके पास जो फंडिंग होती है तो अमेरिका का जो फॉरेन डिपार्टमेंट है वो उसकी फंडिंग करता है, कुछ एनजीओ फंडिंग करते हैं, कुछ इंडिविजुअल्स फंडिंग करते हैं, जिनको वन वर्ल्ड वन फ्यूचर वन फैमिली जिनको बनाना है वो लोग उसको फंडिंग करते हैं। तो मोदी जी ACYPL में गए थे ट्रेनिंग लेने के लिए 1994 में, और इसके लिए एक ट्वीट है किशन रेड्डी गंगापुरम जी का। किशन रेड्डी गंगापुरम ब्लू टिक वाले हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, उन्होंने ट्वीट किया है। ट्वीट का लबो लुआब ये है कि 1994 में नरेंद्र मोदी ACYPL अमेरिकन काउंसिल ऑफ यूथ पॉलिटिकल लीडर्स के इनविटेशन पर अमेरिका गए थे और किशन रेड्डी भी साथ थे, और उन्होंने ये ट्वीट किया, पहले ही बताया था, और उन्होंने एक एल्बम डाला है, पूरा तस्वीर का एल्बम है जो कि एक के बाद एक आप देख रहे हैं, और साथ में थे बीजेपी लीडर यूनियन मिनिस्टर रह चुके अनंत कुमार, अब नहीं है, उनको श्रद्धांजलि। सितंबर 2014 का पोस्ट है जब पीएम मोदी पहली बार प्रधानमंत्री के बाद अमेरिका जा रहे थे, और इंडिया में नैरेटिव ये है कि गोधरा कांड के बाद अमेरिका ने इनको मौत का सौदागर समझ लिया, कांग्रेस ने अमेरिका को कह दिया भैया इस आदमी को अमेरिका का कभी वीसा मत देना, ये खतरनाक है, दी थे दैट है, और वो मोदी जी अमेरिका से लिख के पढ़ के ट्रेनिंग लेकर के आ चुके थे 1994 में, समझ रहे हैं ना बात कौन है कहाँ है, कि मतलब अब एक जमाना था कि इनकलाब जिंदाबाद, मोदी महामूर्ख है, मोदी एमए पास है, वो अपनी डिग्री दिखाओ, केजरीवाल लेके सारे उसके पीछे पड़ गए थे, लो भैया
कितनी सारी चीज़ें जानोगे। ACYPL के बारे में पता था, मोदी जी ने वो ट्रेनिंग लेके आए वहाँ से पता था, मोदी जी हिंदू हैं, हिंदुत्व का चेहरा है, इसीलिए वोट दिया था ना। आखिर मोदी जी गांधी फिलोसफी के आदमी है, गांधी जी अंग्रेजों के साथ मिलकर के देश का बंटवारा कर दिया, और ये USA जा कर के ACYPL में मतलब ट्रेनिंग लेकर के आकर के भारत आकर के तृप्तिकरण संतुष्टिकरण के रास्ते से देश को इस्लामीकरण के मुहाने तक ले आए, पता था लोगों को। और एक इंटरव्यू देख लो, जाते जाते इंटरव्यू देख लो, जफर सरेश वाला का इंटरव्यू है, वो कहता है कि मोदी आखिर हकीकत में है क्या, देखिए इसको। आपके एक इंटरव्यू में मैंने सुना था कि भाई मोदी जी जो है वो हदीद पढ़ते हैं, वो कुरान आपने खुद उनको गिफ्ट दी थी और वो काफी उसके ऊपर पढ़े थे, तो क्या आप मुझे ये बता रहे हो कि मोदी जी और राइट विंगर्स ये दो अलग अलग आइडेंटिटी है? देखिए, मोदी साहब और दूसरे पॉलिटिशियन में जो एक फर्क मैंने देखा कि वो ब्लैक एंड व्हाइट है, ग्रे नहीं। चीज कोई लेंगे आपसे तो वो पढ़ेंगे, तो मैंने वो जब किताब दी उन्होंने तो खुद पहले 4-5 पन्ने पढ़े और मुझे कहा कि यार ये ऐसी किताबें 4-5 अगर इस मुल्क का हिंदू पढ़ ले तो हमारा हिंदू मुसलमान का मसला हमेशा के लिए हल हो जाए। तो आप ये बता रहे हो कि मोदी जी जो है ये राइट विंग के साथ नहीं है, उनके एक सोच अलग है, वो सिर्फ पॉलिटिकल रीजन के कारण राइट विंग के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये सब दिखा हुआ है क्या? देखिए, एक बात तो समझो कि इलेक्शन, एक बात तो याद रखो यार, इलेक्शन जीतना है। ये जो गिरिराज सिंह हो या वो हेगड़े हो साउथ में, ये सब जो है ये मोदी साहब सिर्फ एंटरटेन इसलिए कर रहे हैं ताकि उनका इलेक्शन जीत। इनकी हैसियत ये नहीं, हैसियत बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये मैं आपको जफर भाई बिल्कुल जैसे लोग इलेक्शन जीत नहीं सकते। करेक्ट, बट मोदी साहब इनको एंटरटेन करते हैं और इनको झेलते हैं इसलिए क्योंकि ताकि मोदी साहब को इलेक्शन जीतना है। क्या वो आप बोल रहे हैं? देखिए, एक बात है ना कि यार इलेक्शन तो जीतना है। अच्छा, अगर मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर ही नहीं बनेंगे तो ये मॉरल हाई ग्राउंड जो है। करेक्ट, हाँ, लेकिन करेक्ट एक बात मैं उनको मानता हूँ, जो जैसे गुजरात में जो चीफ मिनिस्टर थे वो मुसलमानों के, मैं काम जो लेके गया हूँ भाई, हम आज उनके साथ क्यों है? उन्होंने ऐसे काम करे, मोदी को वोट दिया था राम जन्मभूमि के लिए, एक समान संहिता के लिए, NRC के लिए, जनसंख्या नियंत्रण के लिए, हिंदू शासन की सत्ता व्यवस्था हो राष्ट्र में, इसके लिए हो क्या रहा है? क्या हो रहा है? ताकत बढ़ रही है देश की, हम विश्व लीडर बनने जा रहे हैं, यह संतुष्टिकरण की चरम सीमा को पार कर रहे हैं। हाईवे का जाल, एयरपोर्ट का जाल, देश की तरक्की लवाका डमाका है, रेलवे लाइन बन रहा है यहां से लेकर के दुबई से लेकर के यूरोप तक जाएगी, और वो भारत हिंदू सनातनियों का देश ही नहीं रहेगा तो क्या करोगे इन सड़कों का लेके? 57 मुल्क है ना मुसलमानों के, उन्हें नहीं चाहिए तरक्की? और एक भी मुल्क नहीं है हिंदुओं का सनातनियों का, आज़ादी के बाद बंटवारे के बाद के भारत को भी भारत नहीं रहने दिया, हिंदू सनातनियों का देश नहीं रहने दिया, इसके लिए गांधी से लेकर के मोदी तक जिम्मेदार हैं। ये बात अब समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ACYPL पता नहीं था ना, और पता नहीं क्या क्या खबरें आती रहेंगी जाती रहेंगी। मैं तो दिखाता रहता हूँ कि वो मोदी जी जो कहते रहे हैं अपने 2005 से लेके 2008 में, 2010 में, 2012 में, 2016 में कहते रहे हैं ना कि जो हिंदू है और इस्लाम के विरोध में, मैं तो हिंदू मानता ही नहीं है, जो गौरक्षक है और गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करते हैं, कहते रहे हैं ना ये जो भारत जो है तो इस्लामिक आदर्शों से बंधा हुआ देश है, कहते रहे हैं ना, झुंझुना बजाते रहो ना, थालियाँ पीटो, हैं ACYPL से अगर ट्रेंड होकर के मोदी आए, ये बात अब तक आप लोगों को क्यों पता नहीं था? घर वाले छोड़ो, बीबी को छोड़ो, दुनिया देखो, दुनिया घूमो, सत्ता में आओ, सत्ता में बैठो और राष्ट्र को भ्रमित करो, हिंदू सनातनी का चेहरा लो, त्रिपुंड लगाओ, टोपी ना पहनो, बाद में चादर मजारों पे जाके चढ़ाओ, बाद में सूफी संत को बोलो कि ये तो हैं तो राष्ट्र हैं, भारत कि जो इबारत है वो मुसलमान सूफी संतों ने लिखी है। आज इतना ही, और कुछ कहने के मूड में नहीं हूँ। आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी कमेंट लिखिए, 1 लाइन 2 लाइन 10 लाइन पैराग्राफ पूरा लिख डालिए, मैं पढ़ूंगा, उसमें तो कुछ मिलेगा आकर के, फिर दोबारा उस पर वीडियो बनाऊंगा, आपके साथ होऊंगा। जय सिया राम, हरिओम।